हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश। लाया आज न्यू इन्फॉर्मेशन जॉब के बारे में, जो है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के बारे में, जिसमें आपको तीन तरह का एडवर्टीजमेंट मिलेगा, एडवर्टीजमेंट नंबर 15, एडवर्टीजमेंट नंबर 16 और एडवर्टीजमेंट नंबर 17। तीनों एडवर्टीजमेंट में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अगर इस चैनल पर आप नए हों तो आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहला एडवर्टीजमेंट के बारे में, जो है एडवर्टीजमेंट नंबर 15। डेट की बात करें तो तीनों एडवर्टीजमेंट का जो डेट होगा वो आपका सेम होगा, जो आपका 28 सितंबर से अप्लाई होना चालू हो गया है और आपका लास्ट डेट चलेगा आपका 18 अक्टूबर तक। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, इस फॉर्म को डेट से पहले भर दें। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट की बात करें तो आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो 15 नवंबर तक हो जाएगा, और आपका जो कॉल लेटर जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप 3 नवंबर के बाद आप कर सकते हैं। अब एडवर्टीजमेंट नंबर 15 में जो स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की पोस्ट है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 15 में मात्र दो ही पोस्ट है, मैनेजर मार्केटिंग और डिप्टी मैनेजर की, जिसमें आपका नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 12 आपका मैनेजर मार्केटिंग की है और 26 आपका डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग की है, जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट की बात है, आपका 40 ईयर के कैंडिडेट है तो भर सकते हैं, और यहाँ पर मैक्सिमम एज दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट 35 ईयर से हैं वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, आपका ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में जो भी ब्रांचेज है SBI के वहाँ पर आपका पोस्टिंग होगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपका जो भी कैटेगरी है एज पर द गवर्नमेंट रूल, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। तो मैनेजर मार्केटिंग का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, उनके पास फुल टाइम MBA, PGDM और इट्स इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग फाइनेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज, यानी आपके पास MBA और PGDM का डिग्री होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है वह कॉरस्पॉन्डेंस या पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए, यानी आपका जो कोर्स होना चाहिए वह रेगुलर होना चाहिए। रिक्वायर्ड स्किल की बात करें तो क्या क्या आपके पास स्किल होना चाहिए, तो आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रेजेंटेशन एंड लीडरशिप स्किल होना चाहिए, शार्प एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, एंड कैंपेन मैनेजमेंट इवेंट एंड स्पॉन्सरशिप स्किल होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास पोस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, यानी आपका MBA कंप्लीट होने के बाद ही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आपका मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक या पब्लिक सेक्टर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी में होना चाहिए। और डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग की बात करें तो आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका MBA होना चाहिए, और एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MBA, और वो भी आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक और पब्लिक सेक्टर लिस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी में होना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा भी एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल हैं भरने के लिए, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज दिया जाएगा। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आपको क्या क्या काम करना है, तो ये आप जॉब प्रोफाइल देख सकते हैं और वन बाई वन आप इसे खुद से रीड आउट कर लीजिएगा। सैलरी की बात करें तो आपको कितना सैलरी दिया जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्केल ऑफ पे आपका बहुत ही अच्छा है और आपको अच्छा पैकेज दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट मैनेजर मार्केटिंग और डिप्टी मैनेजर के पोस्ट को भरेंगे उनके लिए
अच्छा पैकेज SBI के द्वारा दिया जा रहा है। सेकेंड एडवर्टीजमेंट की बात करें, जो एडवर्टीजमेंट नंबर 16 है, जिसमें आपका स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका बहाली होने वाला है, ठीक है, जिसमें आप पोस्ट की बात करें तो मात्र एक ही पोस्ट है, एजुकेटिव की पोस्ट है, जिसमें आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पहला 1 ईयर का होगा, उसके बाद आपको 2 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो सिर्फ एक ही पोस्ट है, जिसमें आपका एज जो होना चाहिए मैक्सिमम 30 ईयर तक होना चाहिए। शॉर्ट लिस्टिंग जो भी होगा आपका, वो आपका इंटरव्यू के थ्रू होगा। पोस्टिंग की बात करें तो कोलकाता या जो भी बैंक जहां भी है आपका SBI का, वहां पे आपको पोस्टिंग दे दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें एजुकेटिव के बारे में, तो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए MA हिस्ट्री विथ 1 ऑप्शनल पेपर इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास MA होना चाहिए हिस्ट्री के साथ, या MA इन अदर स्ट्रीम ऑफ सोशल साइंस दैट इज एंथ्रोपोलॉजी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या आपके पास MSc इन अप्लाइड फिजिक्स साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए। यानी इन तीनों में से जो भी है आपके पास डिग्री, तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। मिनिमम परसेंटेज की बात करें तो आपके पास 50% मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा कोर्स इन आर्चिव एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट एट प्रोफेशनल लेवल फ्रॉम नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया अगर है तो और एडवांटेज आपको दिया जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम आपका यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो बहुत ही कम है, और जो भी एजुकेटिव के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है आप यहाँ पर रीड आउट कर लीजिएगा। सैलरी की बात करें तो आपका जो CTC एनुअल जो बनेगा साल में आपका 8 लाख से 12 लाख तक पर एनम बनेगा, जो बहुत ही अच्छी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका इंटरव्यू के थ्रू सिर्फ होगा। थर्ड एडवर्टीजमेंट की बात करें, जिसमें आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 17 है, जो स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के थ्रू आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ भी बहाली होगा, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे आउट हुई है। पहला है रिलेशन मैनेजर टीम लीड का, थर्ड है कस्टमर रिलेशन एजुकेटिव, फोर्थ है इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, फिफ्थ है आपका सेंट्रल रिसर्च टीम प्रोडक्ट लीड, एंड सिक्स है आपका सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट का। जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो आपका डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। रिलेशन मैनेजर का नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 314 है, रिलेशन मैनेजर टीम लीड का 20 है, कस्टमर रिलेशन का 217 है, और इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का 12 है, सेंट्रल रिसर्च का 2 है एंड सेंट्रल रिसर्च टीम का 2 है, ठीक है। एज की बात करें तो मिनिमम 23 और मैक्सिमम 35 है फर्स्ट में, सेकंड में 28 मिनिमम है और 40 है, ठीक है। थर्ड में आपका मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 35 है, फोर्थ में आपका 28 मिनिमम है, 40 आपका मैक्सिमम। उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर सैलरी की बात करें तो बहुत ही अच्छा आपका सैलरी दिया जा रहा है। CTC आपका 6 से लेकर 15 लाख तक आपका रिलेशनशिप मैनेजर को दिया जा रहा है, रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड को 10 लाख से लेकर 28 लाख तक दिया जा रहा है, और कस्टमर रिलेशन एजुकेटिव को 2 लाख से 3 लाख दिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर को 12 से लेकर 18 लाख दिया जा रहा है, और सेंट्रल रिसर्च टीम को जो प्रोडक्ट लीड है जिनको 25 से 45 लाख रुपया CTC साल का दिया जा रहा है। सेंट्रल रिसर्च टीम की बात करें तो आपको 7 से लेके 10 लाख तक आपको दिया जा रहा है, यानी जो भी पैकेज है बहुत ही बड़ा है अलग अलग पोस्ट के लिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो इंडिया में कहीं भी आपका पोस्टिंग हो जाएगा। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा, उसके बाद आपका जो रिन्यूअल होगा वो रिन्यूअल नहीं होगा, सिर्फ 5 साल के लिए आपको यहाँ अपॉइंट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीडर की बात करें तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा 1 एंड मोर राउंड ऑफ पर्सनल या टेलीफोन या वीडियो इंटरव्यू के द्वारा, यानी आपका सिर्फ इंटरव्यू लिया जाएगा और CTC आपका निगोसिएशन किया जाएगा, ठीक है, यानी आपसे पूछा जाएगा कि आप, ठीक है, कितना आपको चाहिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज पर द गवर्नमेंट रूल आपको कैटेगरीज वाइज आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो रिलेशनशिप मैनेजर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, यानी सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है तो आप रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका एक्सपीरियंस आपका 1 अगस्त से काउंट किया जाएगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 3 साल का होना चाहिए रिलेशनशिप मैनेजर में वेल्थ मैनेजमेंट विथ लीडिंग पब्लिक प्राइवेट फॉरन बैंक ब्रोकिंग सिक्योरिटी फॉर्म में। द कैंडिडेट शुड हैव द एडिक्वेट एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग एंड मैनेजिंग रिलेशनशिप विथ हाई नेट वर्थ क्लाइंट हैविंग अ मिनिमम टोटल रिलेशनशिप वैल्यू TRV ऑफ 20 लाख। सेकेंड पोस्ट की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या होगा रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड का, तो आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से। एक्सपीरियंस की बात करें तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मिनिमम 8 साल का आपका रिलेशनशिप मैनेजर इन वेल्थ मैनेजमेंट विथ लीडिंग पब्लिक प्राइवेट फॉरन बैंक ब्रोकिंग सिक्योरिटी फॉर्म एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपका सेकेंड इसमें एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस एज अ टीम लीड इज प्रेफर्ड, अगर आप टीम लीडर होंगे तो आपको ज़्यादा एडवांटेज यहाँ पर दिया जाएगा। थर्ड पोस्ट की बात करें कस्टमर रिलेशन एजुकेटिव की, जिसमें आपके पास डिग्री ग्रेजुएट होना चाहिए। और एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास एक्सपीरियंस इन डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल वुड बी डिजायरेबल होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आप फ्रेशर भी हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी डिजायरेबल मांगा गया है। स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड की बात करें तो यहाँ पर शुड हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 2-व्हीलर, यानी आपके पास 2-व्हीलर का वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, यही आपका मैंडेटरी है। यानी यह जो पोस्ट है वह फ्रेशर भर सकते हैं कस्टमर रिलेशन एजुकेटिव का। फोर्थ नंबर पोस्ट की बात करें इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का, जिसमें आपको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है कोई भी यूनिवर्सिटी से, और आपके पास मैंडेटरी सर्टिफिकेशन होना चाहिए NISM और CWM का, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम आपका 5 साल का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो आफ्टर क्वालिफिकेशन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में कंसलर में पार्ट ऑफ प्रोडक्ट टीम इन द वेल्थ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। आपका प्रिफरेड एक्सपीरियंस होगा गुड नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट अक्रॉस एसेट क्लासेस एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग एंड गाइडिंग क्लाइंट पोर्टफोलियो गुड नॉलेज ऑफ एसेट एलोकेशन एंड रीबैलेंसिंग टेक्निक्स में एंड सुपेरियर प्रेजेंटेशन स्किल एंड अदर कोर कॉम्पिटेंसीज लाइक लीडरशिप एंड टीम वर्क में एंड लास्ट वन एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट ऑफ फिक्स इनकम इक्विटी एंड अल्टरनेट मार्केट में होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं। फिफ्थ पोस्ट की बात करें सेंट्रल रिसर्च टीम की, जो है प्रोडक्ट लीड की, जिसमें आपके पास MBA और PGDM की डिग्री होना चाहिए और या CA या CFA आप कंप्लीट कर चुके हैं तो भी आप इस फॉर्म को एलिजिबल है भरने के लिए। प्रिफर्ड है आपका NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट CFP आपका होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सिक्स पोस्ट की बात करें तो सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट की, जिसमें आपका ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स में फाइनेंस में इकोनॉमिक्स में मैनेजमेंट में मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स में किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए, जो आपका फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडिंग सपोर्ट रिसर्च पब्लिकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए। प्रिपेयर्ड स्किल की बात करें तो कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पावर पॉइंट वर्ड आउटलुक में। कैंडिडेट शुड बी इनक्लाइनेशन इन अंडरटेक रिसर्च बाय रीडिंग वेरियस रिपोर्ट और वेबसाइट। एंड थर्ड कैंडिडेट शुड बी एबल टू सपोर्ट रिसर्च टीम बाय एग्रीगेटिंग एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर एनालाइजिंग डेटा थ्रू वेरियस रिसर्च टूल सॉफ्टवेयर लाइक, ठीक है, क्रिसिल ICRA ब्लूमबर्ग एंड रूटर्स में, ठीक है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपका जॉब प्रोफाइल दिया गया है 1x1, आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए अपलोड करने के लिए सभी में, जो भी मैंने आपको तीनों एडवर्टीजमेंट के बारे में डिटेल दिया है, तो
तो उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ब्रीफ, रिज्यूम पीडीएफ फाइल में चाहिए, यानी आपका एक रिज्यूम चाहिए पीडीएफ फाइल में, आईडी प्रूफ चाहिए पीडीएफ फाइल में, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी मैट्रिक का जो भी आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेशन अगर जो भी कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं उनको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट देना होगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, रिलेवेंट मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए टू व्हीलर का, एंड फॉर्म 60, ऑफर लेटर, लेटेस्ट सैलरी स्लिप फॉर द करेंट एम्प्लॉयर, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से जो भी आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप चाहिए, ऑफर लेटर जो भी आप जब ज्वाइन किए थे उसमें आपको ऑफर लेटर दिया गया होगा वो सर्टिफिकेट चाहिए, एनओसी चाहिए अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको जब भी आपका यहाँ सिलेक्शन होगा तो एनओसी सर्टिफिकेट आपको पुराने कंपनी से जहाँ पे आप काम छोड़ चुके उसके लिए चाहिए, 10th आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए और 11th आपका सिग्नेचर चाहिए। ये आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे तो आप इसको इजीली फिल कर सकते हैं। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।